नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दोस्तों, आजकल हमारे आसपास कब क्या घटना हो जाए, क्या घटित हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। हम आपको जो खबर दिखा रहे हैं, ये खबर है 10 वर्षीय बच्चे के किडनैपिंग से जुड़ी हुई। यह मामला है नालासोपारा के प्रगति नगर का, जहां की सरस्वती टावर बिल्डिंग में रहने वाले एक 10 साल का मासूम बच्चा अपने घर से निकलता है और घर से निकलने के बाद में वो हार लेने के लिए घर से निकलता है, जाता है। जब वो हार लेके वापस आता है, तब फिल्मी स्टाइल में 4 लोग उसको गाड़ी में किडनैप कर देते हैं। ये घटना है अभी हाल ही में 16 तारीख को घटी और सुबह का वक्त था। जो बच्चा जिसकी मैं बात कर रहा हूं, उसका नाम विशाल बताया गया है, विशाल यादव बताया गया है, और इस विशाल यादव को अज्ञात किडनैपरों ने किडनैप कर दिया और इसको लेकर गाड़ी में लेकर चिंचोटी हाईवे की तरफ वो लोग भागने लगे। लेकिन बच्चे का तकदीर अच्छा कहा जाए कि चिंचोटी हाईवे पर पुलिस का बंदोबस्त देखा तो ये घबरा गए तो बच्चे को वहीं चिंचोटी के किसी जंगल में बेहोशी की हालत में पटक कर चले गए। वहां से एक रिक्शा वाला निकल रहा था, उसने देखा कि इस तरह से एक बच्चा, 10 साल का बच्चा जंगल में पड़ा हुआ है बेहोशी की हालत में, और उसके ऊपर उसकी बच्चे के पास कुछ उसकी साइकिल दी थी, वो साइकिल भी वहां पटक गए थे। तो उसकी साइकिल के साथ उसको वहां देखा, तब उस रिक्शे वाले ने मानवता जागी और उस रिक्शे वाले ने उस बच्चे के ऊपर पानी छिड़क कर उसको होश में लाया। उसके बाद में रिक्शे वाले ने उससे पूछा, क्योंकि बच्चा 10 साल का था, थोड़ी समझ थी उसमें, उसने अपने परिवार का पता बताया। तब रिक्शे वाले ने माता पिता से, उसके पिता से संपर्क किया, उनको वहां जगह पे बुलाया और बाद में उनके बच्चे को उनको सुपुर्द किया। उसके पिता ने, बच्चे के पिता ने पुलिस स्टेशन में जाकर इसकी कंप्लेन कराई और बच्चे की तकदीर अच्छी थी कि बच्चा जो है वो उन किडनैपरों के चुंगल से बच गया। तो कहीं ना कहीं हमें सतर्क रहने की जरूरत है। आजकल आपराधिक किस्म के लोग जो है वो कब क्या हरकत कर जाए नहीं कहा जा सकता है। सतर्क रहिए। आगे वीडियो में सुनिए उस बच्चे की और बच्चे के पिता की पूरी प्रतिक्रिया, क्या किस तरह से उनके साथ में घटित हुआ वो सुनिए और देखिए इसका वीडियो सीसीटीवी फुटेज। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। क्या नाम है आपका? विशाल यादव। क्या हुआ था आपके साथ? मैं सुबह को जा रहा था दूध लेने, तो दूध वाले अंकल गए थे किसी को बोतल लेने, तो मैं इसे सोचा साइकिल से राउंड ले तो राउंड लेना था। तो मैं दूध पर एक हाथफुल वाले अंकल जो किसने का मेरी मम्मी लेते हुए हाथ फुल, तो मैं वापस आ रहा था, तो ऐसे एक और सोचा एक और राउंड ले। तब तक एक बहन आके आगे रोकी मेरे पीछे, एक अंकल आके मेरा ऐसे मुँह दबा दिए, तो मेरे को ऐसे बेहोश करके लेके गए। तो मैं जब उठा तब मेरे को ऐसे, तो मैं रोने लगे थे, उनको मारे तो बोले यही तेरे पापा का नंबर, यही तेरे पूरी फैमिली का नाम है। तब मेरे को फिर से यूज़ किए, तब मैं जब उठा तो मेरे को चोटी लेके जाके ऐसे गिरा के बेहोश करके ऐसे गिरा पड़ा था। तो मेरे को होश आया, तो मैं उससे उठी मार कर मेरे पैर में लगा था, इसलिए मैं एक ऑटो वाला अंकल आके मेरे देखे मुझे, तो मैं उनको देखे फिर से ले लिया। कितने लोग थे? 4 लोग। हाँ, 4। कौन सी गाड़ी से आए थे वो लोग? वैन गाड़ी थी। किस कलर की थी? ब्राउन या ब्लैक कलर की थी। अच्छा, कितने बजे लेके गए थे आपको? 8:30। 8:30 बजे सुबह। हाँ। तो कहाँ लेके गए? चिंचोटी। हाँ। और कुछ बोले वो लोग? क्या बोल रहे थे आपको? बोल रहे थे तेरे फैमिली से 2 लाख रुपए लेंगे। अच्छा। तो आगे चेक पर टी चोटी के आगे है, इससे नाकाबंदी थी पुलिस की, तो इसलिए मुझे टी चोटी में इसे उतर गिरा दिया, तो मेरी साइकिल मेरे पे गिरा दिया। अच्छा, गाड़ी का नंबर वगैरह कुछ पता है आपको?
स्पेल याद था 6292। अच्छा, पुलिस कंप्लेन किया आपने? हाँ। क्या बोले पुलिस वाले? बोले कहाँ कहाँ चोट आई आपको? इन दोनों पैर में सर भी लगे मारे थे। नाम है आपका? मेरा नाम है राजेश यादव। ये जो लड़के आपके, क्या हुआ था इनके साथ? मैं तो सर यहाँ पे था नहीं, मैं हैदराबाद गया था। सुबह जब ये दूध लेने के लिए गए थे, पहले गए वहाँ पे, फिर इनकी मम्मी हारपुल लेके आई थी, हारपुल वाले के पास गए, तो वहाँ पे जब ये गए हारपुल के लिए, तो वहाँ से उन्होंने बोला आपकी मम्मी हारपुल लेके गई है। फिर वापस वहाँ से रिटर्न आए, फिर यहाँ गेट किधर आए, गेट से वापस ये सोचे कि मतलब बारिश नहीं हो रही थी, ग्राउंड साइकिल कवर मार लेता हूँ। तब तक उन लोग वहाँ पे बीच में, उन लोग के साथ प्लानिंग पहले से थी या क्या था, उन लोग खड़े थे, चार जन थे बोल रहे हैं, ये जो बताए वही मैं बता रहा हूँ। तो ये फिर वहाँ पे खड़े थे उन लोग चार जन, इनके मुंह पे ऐसा ये लगा कि मतलब इनको बेहोश कर दिए, 10 से 15 सेकंड के अंदर इनको मतलब वैन के अंदर डाल लिए, फिर वहाँ से लेके निकल गए। वहाँ से उन लोग क्या ये एरिया में कब तक थे ये नहीं मुझे पता। फिर वहाँ पे फिर लेके आने के बाद फिर जब इनको होश आई, तो शायद 1-1.5 घंटे के बाद जो भी टाइम हुआ रहेगा, मुझे इतना आइडिया नहीं है। तो यहाँ पे मतलब ये बोले कि पापा मैं रोने लगा, तो जब रोने लगे तो इन लोग को उन्होंने मारने लगा, मारे मतलब सिर पे मारे, ये मारे, फिर वापस इनको दूसरा डोज दे दिए, वापस इनका मुंह मतलब यूज़ कर दिए। फिर उन लोग को लगा कि मतलब यहाँ पे आगे मतलब चिंचोटी में शायद तो पुलिस वगैरह मतलब खड़ी हुई है, तो लेके नहीं जा पाऊँगा आगे, इसके लिए इनको वहाँ पर गाड़ी चलते हुए फेंक दिए, उसके ऊपर इनके साइकिल भी फेंक दिए। फिर वहाँ पे एक अच्छा व्यक्ति मिला जो ऑटो चलाते हैं, उनके हेल्प से हमको मतलब ये जब इनको होश हुआ, मतलब पानी मारे थे, वापस बेहोश हो गए, बेहोश होने के बाद वापस उन्होंने मुँह धुलाया, फिर वो उन्होंने इन्होंने का नंबर मेरा बताया। मैंने वहाँ पे वो टाइम पे मेरे को फ्लाइट का टिकट नहीं, मतलब ट्रेन से आ रहा था, मुझे फ़ोन आया उनका, तो बोले आपका लड़का ऐसा ऐसा है, मतलब ठीक है सर मैं 10 मिनट। किसने फ़ोन किया? रिक्शे वाले ने मुझे फ़ोन किया कि आपका लड़का ऐसा है। हाँ सर मेरा लड़का, मैं बोला 10 मिनट वेट करूँ, मैं अपने भाई को भेजता हूँ। तो उनका नंबर मैं अपने भाई को भेजा, मेरा भाई है नीलेश करके, वो फिर गए वहाँ पे लेके आए, बाकी हमारे जो दोस्त यार थे सब लोग गए थे वहाँ से लेके आए। अच्छा, इसका कंप्लेन वगैरह किए हैं क्या पुलिस स्टेशन? कंप्लेन वगैरह किए हैं, पहले हम लोग पुलिस चौकी में गए थे शायद, तो उन्हें मेरी वाइफ बता रही थी, तो वहाँ पे जाके उन लोग बोले कि 20 आवर्स के बाद ही हम कंप्लेन लेंगे। हाँ सर, हमारे जो ग्रुप के हैं उन्होंने जाके वहाँ पे कुछ फोर्स किया कि आप 24 आवर्स के वेट करेंगे तो फिर उतने में तो कहाँ से कहाँ चले जाएंगे उन लोग। तो उन लोग वापस कंप्लेन बोले ठीक है मैं देखता हूँ, तो उन लोगों ने सब काफ़ी ये किया, उनके सारे हमको हमारा लड़का वापस मिल गया। तो पुलिस वालों ने इस मामले में क्या बोला जब आप कंप्लेन किए, तो क्या बोले? ठीक है सर मैं देखता हूँ और सब इंक्वायरी करता हूँ। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।